राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। सुबह सुबह का टाइम है, रात में काफ़ी लेट सोए थे सारे के सारे, तो सुबह में लेट ही आँख खुली। मैं तो सबसे ज़्यादा लेट उठी हूँ। मेरे को तो जाते टाइम पे कविता ने उठाया कि हम जा रहे हैं, क्योंकि एक तो जगह बदली में भी हो जाता है और फिर कुछ ठंड ज़्यादा लग रही थी नीचे। एक तो हवा चल रही थी इतनी तेज़, बारिश का मौसम हो रखा था, साथ में फराटा चल रहा था, और फिर सब नए मोटे मोटे उड़ रखे थे। मेरी जो चादर थी ना वो पतली थी ज़्यादा, तो इस करके मुझे नींद नहीं आई। 3 सवा 3 बजे के करीब मैं उठ करके ऊपर ही चली गई, और ऊपर जाने के बाद मुझे नींद आई है, और अब उठ चुके हैं सारे के सारे। जय भी उठ गया था, तो जय को मैंने जो दूध है वो पिला दिया है। राम राम जी सारे की आप जोड़ के अरे ओए ना। पुंडू आज ही हो आप भी ताजा ताजा मक्खन खाने। तो जो दूध है वो भी बिलो लिया है, और बस अब मेरी माँ जो रही पहुँच करके मक्खन निकाल लेगी, यानी जो टिंडी है ना वो निकाल लेगी। मोहित अंदर सोया पड़ा है अभी, आराध्या ना आ रही थी और सुमन पता नहीं क्या कर रही थी उस टाइम पे। तो उसके बाद फिर जय को भी मैंने नहला दिया था, नहला करके तैयार कर दिया था। तो यहाँ पे जो रही है वो पहुँच करके रख दी है। अब जो मक्खन निकाल करके फिर मेरी माँ बनाएगी दोनों बच्चों के लिए खाना, क्योंकि मास्टर जी तो खाते नहीं है सुबह के टाइम पे, ये तो शाम में ही खाते हैं, वो भी कभी कभार, मतलब डेली नहीं खाते, कभी खा लेते हैं कभी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जय को नहला दिया है, बस अब जो कपड़े हैं वो पहना रही हूँ। सुमन भी आ गई थी तो बस बैठे हुए हैं, और यहाँ पे इसने जिद लगा रखी थी क्योंकि इसको सुबह सुबह माया चाहिए होती है कि मम्मी माया मम्मी माया। हालांकि बिस्किट इसने ले रखा है, लेकिन फिर भी ये है कि मुझे माया चाहिए, मैं जो चिप्स है ना वो लेकर के जाऊँगा। बच्चों को चिप्स कुरकुरे के बगैर कुछ दिखाई देता ही नहीं है। और ये भी नहीं है कि शुरू शुरू में इनको बिल्कुल भी आदत नहीं थी, लेकिन अब कभी कभार ले ये ले आते हैं ना तो ये जिद करता है। पर अब ये नहीं है कि भी बिल्कुल भी नहीं मानता। पहले तो ये हो जाता था, अगर इसने सुबह उठते ही कुछ बोल दिया ना भी मेरे को ये चीज़ लेके आनी है, तो वो चीज़ इसको दिलवानी ही पड़ती थी, वरना ये रोने से ही नहीं हटता था। पर अब ये है, ये मान भी जाता समझाने से भी। और जैसे मैं 4-5 दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, 4-5 दिन क्या लगभग 1 हफ्ता ही, तो उस टाइम पे मुझे इसका ये भी नहीं पता चला ये कब तैयार होकर के कब चला जाता है, और मेरे पास ये इतने नखरे करता है, देख सकते हो आप लोग अब भी इसने कितने नखरे चालू हैं। 1 हफ्ता ना इसने चीज़ों के लिए जिद की, ना ये तैयार होते टाइम पे थोड़ी सी भी कुछ अनाका नहीं। वैसे रोता तो नहीं है, लेकिन जैसे थोड़ा सा होता है ना बच्चा शरारते करता रहता साथ साथ में, तो वैसे नहीं की, बिल्कुल आराम से आराध्या पे ही तैयार हो लेता था ये। और वो भी बेचारी खुद भी तैयार होती थी, इसको भी तैयार करती थी, एक बार भी ये नहीं बोलती थी कि भाई मम्मी लेट हो रही हूँ, या फिर बच्चा थोड़ा बहुत आलस दिखाता है सुबह सुबह, नहीं बिल्कुल भी नहीं। गोपू को भी नहलाना, तैयार करके दूध पिला के जाना, सारे के सारे मतलब तीनों के काम ये खुद करती थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे मेरी माँ ने चाय बना ली थी, क्योंकि चाय पी करके फिर लगेंगे अपने काम पे। और अभी मैं तो रेस्ट पे हूँ, क्योंकि अभी वैसे तो ठीक हूँ, तबीयत ठीक है, हालांकि कोई चीज़ दर्द नहीं कर रही है, जैसे कई दिन तक तो दर्द था मुझे। अब ये है कि खड़ा नहीं हुआ जाता, मतलब ज़्यादा टाइम खड़ा हो जाती हूँ ना तो सांस चढ़ने शुरू हो जाते हैं, और बहुत अजीब सी घबराहट मुझे होती है। मुझे ये लग रहा है कि जैसे ना मेरे अंदर से कुछ चीज़ निकाल ली है, कलेजे में मुझे बहुत ज़्यादा खालीपन लगता है। और ये अब दोपहर का टाइम, तो यहाँ पे जो खाना है वो बन चुका है। पता नहीं भी क्यों सूख गया। हाँ बूंदा तो इन ककड़ा लग गए हैं, नुन्ना ने पेड़ तो लग गए। गर्मी बहुत है, कौन नहीं संभाल भी को नहीं, पानी को नहीं पड़ा कई दिन इनमें। ठीक हो गया भाई, देखिए वो भी सूख गया, कड़ी पत्ता भी, वो तो नहीं सूखना चाहिए, मुरझा रहे हैं जमा सारे। क्या का उस ऊपर आ वो इबे को निलांदे, इबे बारिश का मौसम है, इतना के फायदा लाने का, बारिश आओगी कम तक कम ये और ज्यादा वो होंगे, ना इबे 1-2 दिन तो रहने दो, इतना बारिश बता रखी है, बारिश तो बता रही है दिन में काम बहुत गर्म निकला, कुछ नहीं होता, उड़ाना रख दूंगी इसके बाहर जगह नीचे। इनमें तो इधर नो टाइम पानी पड़े ना, जो ज्यादा तो इन मानदा को फिर निकलन लग जावे, फिर
फिर ठीक रहेंगे। ये माटी पन्ने से धरे नहीं, मैं पानी तो पड़ता है को नहीं, इनकी गल लूंगी। भगवान की कड़वारी थी उसके बाद। आप भी खा लो सारे, बहुत मीठा तरबूज है। कौन बोल रहा था? अपना कौन? की बनाओगे आज? मैं तो एक रोटी खाऊंगी, किम्मे बना लेते शक्कर मीठा तो मैं भी नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे मेरी माँ जावे है मंदिर में। वैसे तो धूप पूज हमारी सारी होगी थी, कर दी थी हमने, लेकिन अभी वो मेरे बीमार होने में ना थोड़ा सा होए जावे, बड़ा आदमी का बहम सा, और फिर उस टाइम पर वह वार फिर भी कुछ करी होगी, क्योंकि हालत उस टाइम पर ज़्यादा ही नाजुक हो गई थी एकदम से। तो वो उस करके थोड़ी बहुत जो ईब है ईब कर देंगे, और बाकी फिर जो अपनी करनी है जो कबूली थी वो फिर ला देंगे। तो बारिश का मौसम हो रहा था तो जहाँ मेरी माँ ने शाल भी ले लिया है कि भाई कदे जो बारिश है वो आ जाए, क्योंकि मेरी माँ का बारिश लग दे फिर मोती जा रहे की दिक्कत हो जाए वह है। कदे फिर दोबारा हो जाए। हाँ बूंद आएगी वो तो दिख। और प्रधान जी के कूलर ले आए हैं, हैप्पी बर्थडे बूंदी खावे हप्पो पांडा फिर अपनों को दे। ठीक है जी, आज घर आए गाड़ी रे छोड़ दी जमे ना अलवादी तो तेरा तो तड़ा तड़ा। बाकी सरकार को कौन चला रहा? मोदी नहीं चला रहा, पप्पू चला रहा। पप्पू कहाँ है? खेत में सरकार चलाना, और कूप भी करे मैं लिया कह कि आई तुड़ी इसमें इसमें 7.5 ट्रैली 7.5 8 तो आना है दंदे धक्का करके। फिर ना 7.5 बने थे महाराज सर, कोई मुर्रा नस्ल की भी ले रहे हो गए कौन सी है? या ही है होगी होगी 2-2.5 साल की तो है नहीं ऊपर को लाग रही है, कुपोषण का शिकार होगी क्योंकि इसका आगे बाल्टी मुद्दी पड़ी रहा है इसमें कि मैं गेट देख हूँ तो भांडन लग गया दीपक रखू देखा हुआ है। ईसा भी हो या करे के ले आयो कूलर? कूलर ले आया सर, कूलर लेके आए हैं। नुकंदा सभी प्रसाद खा लो, नुकंदा बांटा रेवड़िया फिर अपनों को दे, ये तो अपने आना भी नहीं देता खुदे खावे। ये लो आपकी लड़कियों से वो देखो हमारे गांव का कमाऊ पुत्र हमारा पुराना विद्यार्थी सुंडा ने पढ़ाई छोड़ दी बीच में, इसने फिफ्थ क्लास भी पास किया, फिफ्थ क्लास में फर्स्ट आ गया जिसकी वजह से पढ़ाई छोड़ दी। हाँ के कहे मोटी हैप्पी बर्थडे। हेलो राध्या। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है विलेज लाइव स्ट्रीम में। और यहाँ पे जी भरिया है पानी जीरी लगान खतर, अगेती जीरी खतर है यू पानी, पानी छोड़ दिया है नहर का पानी। बाकी कुछ बरसात भी ठंडा मौसम हो रहा है, गर्मी ना पूरी तबाही मचा रखी थी कई दिन तक, अंडी मौसम हो रहा है नहीं राध्या। और ये उल्लू ये वीडियो में नहीं आ सकता, चल कौन लेंदे ना राध्या ने ले वीडियो में पढ़ाई, कैसी पढ़ाई चल रही है फिर आजकल? कितनी अच्छी मौसम देखो ये
बहुत तेज हवा के साथ बिल्कुल ब्लैक हो चुका है ये देखिए। लेकिन ऐसे मौसम में हम बाहर बैठते हैं ना तो अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगता है। ये देखिए उस साइड से आप लोगों को दिखाती हूँ एक बार, उस साइड से जो आंधी है ना वो आ चुकी है। ओहो मेरा यू पड़ेगा ठा जो कदे हवा में पड़के टूट जाए। खूब जम के बारिश हुई है। लाइट को नहीं बाहर मारा इन्वर्टर वाली, इन्वर्टर वाली को नहीं बेटा सही बारिश आने लग रही है। तो मुझे आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें करनी है क्योंकि आज मई का लास्ट दिन है और मैं नहीं चाहती इसको मैं एक नए महीने में लेकर के जाऊं क्योंकि जून से हम एक नई एनर्जी के साथ काम करेंगे। कुछ बातें ऐसी हुई जैसे आजकल में कि भाई अगर मैं चुप हूँ तो मैं गलत हूँ, मैं चुप हूँ तो मैं झूठी हूँ, मैं चुप हूँ तो मैं गद्दार हूँ। सही बात है आप लोगों की, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों ने इस चीज़ पे सवाल उठा दिया कि मुझे नहीं पता था मैं बोलूँगी क्या, बोलूँ इस चीज़ पे मुझे समझ नहीं आ रहा। पर मैं कहती हूँ अगर मेरी चुप्पी गलत है तो ठीक है, मैं गलत ही सही हूँ। अगर मेरी चुप्पी से मैं झूठी साबित हो रही हूँ तो मैं झूठी ही सही हूँ, और मेरी चुप्पी से अगर मैं गद्दार साबित हो रही हूँ तो मैं गद्दार ही सही हूँ। क्योंकि जो ये टाइम था ना इसने मेरे को इतनी चीज़ें सिखाई हैं। और किसी चीज़ का मेरे को भी ये था, मुझे ये था कि सच्चाई नहीं दब सकती, सच्चाई नहीं हार सकती। पर कभी आने वाले टाइम में मैं एक मोटिवेशन तरीके से आप लोगों को ये जो सारी स्टोरी है ना वो शेयर करूँगी बिना किसी अदर पर्सन का नाम लिए हुए। सिर्फ जो मेरे जैसे लोग हैं ना जो कहीं ना कहीं इतना विश्वास कर लेते हैं या फिर जो एक बार आगे बढ़ जाते हैं वो पीछे हटना नहीं सीखते, वो लोग इस चीज़ से सीखें कि जैसे दुनियादारी है वैसे आप बन जाएं। वरना ये चीज़ आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। आप झूठे हैं वो चीज़ आपको नुकसान नहीं करेगी, आप गद्दार हैं वो चीज़ आपको नुकसान नहीं करेगी, आप दोस्ती में कितना भी गिर रहे हैं वो चीज़ आपको नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अगर आप अच्छे हैं ना वो चीज़ आपको इतना नुकसान कर जाएगी, आपको इतना तोड़ करके रख जाएगी, शायद ही आप अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर विश्वास कर पाओगे। ये सच्चाई है, हर एक पहलू पे हम बात करेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी माहौल ऐसा चल रहा था मैं बात भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे को मेरे अपनों ने, मेरे चाहने वालों ने, जिन लोगों ने, अब हालांकि मैं इतनी नेगेटिविटी चारों तरफ फैल चुकी थी, मैं सफाई नहीं दे पाई थी अपनी तरफ से कुछ भी, क्योंकि भगवान को भी शायद यही मंजूर था, मुझे इस हालत में उसने छोड़ा ही नहीं। जब धीरे धीरे मेरी रिकवरी हुई तो उस टाइम पे मेरे अपनों ने मुझे चारों तरफ से इस तरह से दबा दिया था कि नहीं सीमा हमें तू चाहिए है, हमें नहीं चाहते कि तुझे कुछ हो किसी और के चक्कर में, किसी और को सफाई देने के चक्कर में। तो इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जिन लोगों का साथ अब मुझे मिला, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर जिनको मैंने एक बार भी सफाई नहीं दिया करके, किसी से मैंने फ़ोन पे बातचीत नहीं की, किसी से मैंने व्हाट्सएप पे बातचीत नहीं की, कुछ नहीं किया, फिर भी उन लोगों ने मुझे इतने से अच्छे से समझा, वो लोग मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ कि हाँ मेरी चुप्पी से अगर मैं किसी को गलत लग रही हूँ, झूठी लग रही हूँ, तो मैं वो सही हूँ। अपने बच्चों के लिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का कहना मानने के लिए मुझे अगर गलत साबित होना पड़ रहा है तो मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं है। पर यह चीज़ मुझे इतना सिखा करके गई है, इतना सिखा करके गई है, आज एक टाइम की चुप्पी मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड, और कोशिश करूँगी कल से मैं मिनी व्लॉग, व्लॉग, शॉर्ट वीडियो सब कुछ आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। क्योंकि जब कोई सच्चा इंसान टूटता है वो टूटता भी बहुत है, और फिर वो उस चीज़ से निकलता है ना तो वो बहुत अच्छे से निकलता है। मैं अपने भगवान पे विश्वास करती हूँ, मैं बार बार इसी के आगे गवार लगाती हूँ कि मुझे नहीं पता, मुझे बंदों को सफाई देनी नहीं है, लेकिन आपको पता है, आपको पता है मैं कहाँ गलत थी, और इसी पे विश्वास करके मैंने सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया। मुझे पता है ये मुझे गिरने नहीं देगा, कभी भी, कभी नहीं गिरने देगा। तो चलिए अब इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।